हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने 8085 माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसका पिन डायग्राम पढ़ेंगे। तो अगर पिन डायग्राम आपको क्वेश्चन में आता है तो फिर पिन डायग्राम में भी आपको इंट्रोडक्शन वही लिखना पड़ेगा जो आपने आर्किटेक्चर में लिखा था। मतलब एक पैराग्राफ पहले आप इंट्रोडक्शन का लिखेंगे, जिसमें आप वही प्रीवियस वीडियो में, जैसे मैंने बताया, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके उस वीडियो को एक्सेस करें, वीडियो नंबर 2.4। उसमें मैंने बताया था कि पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें कि आप बताएंगे कि ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया था, इसको एनमोस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए बनाया था, ये 5 वोल्ट्स पे वर्क करता है और 3.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है ये। तो 8085 के पिन डायग्राम के अंदर 40 पिन्स होते हैं, ये है वो 40 पिन। तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जैक्टली ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको 40 के 40 पिन्स के नाम याद करने हैं, लेकिन YouTube पे आप इसकी ट्रिक्स सर्च करिए तो कई सारे फनी फनी ट्रिक्स हैं जिनसे आप इनको याद कर सकते हैं। मतलब एक ट्रिक मेरे को याद है, थोड़ी सी मैं उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसमें ऐसे था कि X1 X2 एक पेयर होता है, वो रीसेट शादी करके रीसेट आउट हो जाते हैं, उनके दो बच्चे होते हैं सॉन्ड और सिड, वो ट्रैप हो जाते हैं तो रैनसम मांगते हैं 7.5, फिर रैनसम मांगते हैं 6.5, फिर उतने पैसे नहीं होते तो 5.5 पे डील डन होती है। तो ऐसे ही करके कई सारे फनी फनी याद करने के तरीके, तो उसको आप ज़रूर YouTube पे सर्च करके याद करें, विद इन 5 मिनट्स आप वो कर सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा। अब उसके बाद अगर आपने पिन डायग्राम बना दिया तो उसके बाद आपको हर पिन का डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। तो पिन डायग्राम को हम 7 पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। इसमें 40 पिन्स जो हैं वो 7 ग्रुप्स में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो है एड्रेस बस। एड्रेस बस मतलब A8 से लेकर A15 तक एड्रेस बस, ये रही A8 से लेकर A15 तक, ये रही हमारी एड्रेस बसेस। तो ये एक ग्रुप हो गया। नेक्स्ट है हमारा डेटा बस, डैट इज़ AD0 टू AD7, जो कि डेटा कैरी करता है, और एड्रेस बस एड्रेस कैरी करता है, ये AD0 टू AD7। अब इसका नाम ये डेटा बसेस है तो केवल डी क्यों नहीं है टर्म, क्योंकि ये AD इसलिए क्योंकि एड्रेस भी ट्रांसमिट कर सकता है और ये डेटा भी ट्रांसमिट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स का काम यही होता है कि हम अपना एग्जैक्ट अभी स्टेटस क्या है वो बता सकें, या हम क्या काम कर रहे हैं, क्या काम परफॉर्म करना है हमको, वो हम डिस्क्राइब कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास 3 कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, RD विच स्टैंड्स फॉर रीड फ्रॉम द मेमोरी, WR विच स्टैंड्स फॉर राइटिंग इन टू द मेमोरी, एंड ALE स्टैंड्स फॉर इट्स अ पॉजिटिव गोइंग पल्स जनरेटेड व्हेन अ न्यू ऑपरेशन इज स्टार्टेड बाय द माइक्रोप्रोसेसर। ये पॉजिटिव होगी पल्स जब नया कोई प्रोग्राम स्टार्ट होगा हमारे माइक्रोप्रोसेसर में। तो ये 3 है हमारे कंट्रोल सिग्नल्स, रीड राइट एंड ALE, ये यहाँ पे है। रीड राइट एंड हेल। नेक्स्ट है हमारे इनपुट आउटपुट फ्रॉम मेमोरी, जो मेमोरी से इनपुट या आउटपुट करेगा, और SINSO डेट इज स्टैंडर्ड इन डेट इज सिस्टम इनपुट एंड सिस्टम आउटपुट, ये नॉर्मल इनपुट आउटपुट सिग्नल्स हैं। देन होती है हमारी पावर सप्लाई, जो कि VCC एंड VSS है, डैट इज़ ग्राउंड एंड वो जो यहाँ पे है VCC, और ये थे हमारे वो इनपुट आउटपुट वाले सिग्नल्स S0 एंड S1। और यहाँ पे होता है 20th नंबर जो पिन होती है, होती है VSS, ये इस डायग्राम में बना नहीं हुआ है। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास क्लॉक सिग्नल्स। क्लॉक सिग्नल्स होते हैं X1 X2 क्लॉक आउट। X1 X2 जो है वो दो पिन से वो कनेक्टेड होती है फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए हमारे जनरेटर से। मतलब ये जो दो पिन है ये हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी लाती हैं, देन क्लॉक आउट ये होते हैं। इसके बाद ये सब जो है
ये सारे हमारे इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं, ट्रैप, रीसेट एस पॉइंट फाइव, रीसेट सेवन पॉइंट फाइव, रीसेंट रीसेट सिक्स पॉइंट फाइव, रीसेट फाइव पॉइंट फाइव, ये सब हमारे ट्रैप सिग्नल्स होते हैं। सॉर्ट और सीड हमने पढ़ लिया, इनपुट आउटपुट के लिए काम आते हैं। और क्लॉक आउट जो है वो हमारे सिस्टम को क्लॉक से जोड़ता है। क्लॉक कौन सा, जो कि सारे मल्टीपल यूनिट्स को, मतलब किसी और डिफरेंट सिस्टम को अगर हमको इससे कनेक्ट करना हो तो दोनों का हम क्लॉक सेम टाइम पे लेके आ सकें, उसके लिए काम आता है। तो अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर 8085 का पिन डायग्राम है तो आपको सारे पिन को ऐसे ग्रुप में डिवाइड करके डिस्क्राइब करना है एंड आपको ये पिन डायग्राम बनाना है। सो अगर आप ये नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो नोट्स आपको हमारी वेबसाइट प्रोवाइडेड है। वेबसाइट का लिंक अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।